किसी की 7,000 या 10,000 वो तो वो तनखा हुई, तुसी दसो सारे बंदे घरिस्तियां वाले है कि 10,000 विच साडा टब्बर दा गुजारा है। सरकार ये गल सोच ही नहीं रही कि ड्राइवरां वास्ते कुछ ऐसा बनाईए, उल्टा ड्राइवरां नूं बेले कर दी सोच ली कि हर बंदा जो हम गड्डिया रोड ते खड़ गई। अज देखो हले पहला दिन ही है, अज पंपां दे तेल नहीं मिलिया, आने वाले समय विच किस तरह का माहौल बनूगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। केंद्र सरकार द्वारा 21 दिसंबर को लोकसभा में पारित किए गए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ऑपरेटर सड़कों पर उतर आए हैं और आज ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के नेतृत्व में नंगल ट्रक यूनियन से एक रोष मार्च निकाला गया, जो अड्डा मार्केट होते हुए तहसील परिसर पहुंचा, जहां कामरेड सुरजीत सिंह ढेर के नेतृत्व में तहसीलदार संदीप कुमार के माध्यम से एक ज्ञापन देश की राष्ट्रपति को भेजकर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान गुस्साए ट्रक ऑपरेटरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि 21 दिसंबर को विपक्ष के 146 लोकसभा सदस्यों को निलंबित कर हिट एंड रन कानून पारित किया गया। इसी के विरोध में देश भर के ट्रक ऑपरेटर सड़कों पर है और इसी कानून के खिलाफ 3 जनवरी यानी कल पंजाब रोडवेज के कर्मचारी 2 घंटों के लिए चक्का जाम कर रोष प्रदर्शन करेंगे और 6 जनवरी को पूरे प्रदेश का चक्का जाम किया जाएगा। क्या कहा इस मौके पर कामरेड सुरजीत सिंह ढेर ने, पहले जय सुने। यही है कि आज देश दे अंदर जो मोदी दी सरकार 3 जिहड़े काले कानून लेके आई, जिदा खेती दे काले कानून लियांदे ते इहदी मोदी सरकार ने इह लियांदे, 21 दिसंबर नूं जिहड़े इह 5 मिंटां च बगैर किसी बहस तों पार्लीमेंट दे विचों जिहड़े लोक करोड़ां दी अगवाई करदे ते 146 मैंबर उहनां नूं मुअत्तल कर दित्ता गया, पार्लीमेंट चो बाहर कर दिता गया और ये कानून जिहड़े लियांदे और 25 दिसंबर नूं राष्ट्रपति ने इहदे ते सैन करके इहनां नूं मंजूरी दे दित्ती और 1 अप्रैल तों जिहड़ा ये कानून है लागू हो जाणा। इस कानून के लागू होने नाल देश के अंदर जो करोड़ों लोग गड्डियां चलाते हैं, ड्राइवर है, टैक्सियां दे है, उन्हों का जिहड़ा सत्यानाश हो जाना, क्योंकि जिहड़ी कैद की प्रोविजन है जां एक्सीडेंट के मौके पर किसी पुलिस अधिकारी नूं जां होर उच्च अधिकारी नूं ड्राइवर वालों ना दसण ते उस नूं 10 साल की कैद जिहड़ी रखी है, 7 लाख रुपया जिहड़ा जुर्माना रखिया है, ये पुलिसिया राज है जिहड़ा वो कायम कर दिता गया। सानूं पता है कि पुलिस वाले पहले भी देश के अंदर धक्का करते ड्राइवरां नाल और देश के अंदर एक कानून है कि छोटी गड्डी वाले का चाहे कसूर होवे, बड़ी गड्डी वाले का थल्ले आकर खड़ी दे बच जावे तां भी कसूर है जिहड़ा बड़ी गड्डी का गिणिया जांदा। यह ड्राइवरां नाल जिहड़ी बहुत वड्डी बेइंसाफी है, जिहदे खिलाफ असीं जिहड़ी आवाज़ बुलंद कीती देश दे राष्ट्रपति नूं। अज असीं जिहड़ा मंग पत्र है नंगल दे ट्रक ऑपरेटर ने इकट्ठे होकर दिता है कि यह काला कानून है जिहड़ा वापस लिया जाए। आने वाले समय दे विच देश दे अंदर बहुत वड्डा जिहड़ा एक अंदोलन है हो रहा, कल 3 तरीक नूं 8 तों लैके 10 बजे तक रोडवेज दीआं सरकारियां बसां वाले है वह सारे हड़ताल करके जाम ला रहे 2 घंटे दे लई। उस तों बाद 6 तरीक नूं जिहड़ा सारा पंजाब दा बंद दा सद्दा दित्ता गया और जिहड़े रिफाइनरियां वाले है कोई भी तेल है जिहड़ा वह नहीं कढ रहा। मेरी सारे भाईचारे नूं बेनती है ट्रक वालिआं नूं कि वह अपनी अपनी खाली करके अपनी अपनी जगह ते पुज्जण तां जो किसे भी वीर दा कोई नुकसान ना होवे। इह लड़ाई कई लोग अज समझ रहे भी ये सिर्फ लड़ाई ट्रकां वालिआं दी है, मैं वीरां नूं दसना चाहना ये लड़ाई ट्रकां वालिआं दी नहीं, एक स्कूटर वाले दी, विक्की वाले दी, आटो वाले दी, कार वाले दी, बस वाले दी, ये सारे दी जिहड़ी लड़ाई है वो सांझी लड़ाई है। ये काला कानून असीं रद्द करा के हटना मोदी दे कोलों और मोदी नूं ये जिहड़ा कानून है वापस लैणा पैणा। अज भी जिहड़ी मीटिंग आ आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस दी होम मिनिस्टर ने जिहड़ी सद्दी है, सानूं आस है भी जे कोई फैसला नहीं हुंदा तां 6 तरीक तों देश दे अंदर जिहड़ा मुकम्मल तौर पे चक्का जाम है वो होने जा रहा। इस मौके पर क्या कहा गुरविंदर सिंह ने, जे भी सुने। हरजात सिंह जी मेरा नाम है जी, तो मैं तो वीर जी
एक गल करता जिस तरह सुरजीत सिंह ने कहा कि जिहड़े कानून है ये ड्राइवर की जिंदगी खराब कर देंगे। इस करके अज हर बंदा चिंतित है कि जो साढ़े न आना है समय में यह कोई पता नहीं जो हमने मैं मोटरसाइकिल भी जरा एक्सीडेंट हो सकता यह कोई जान के नहीं करता। सो असी तो सरकार ये नहीं सानू समझ आती भी इस सरकार एडा बंदा कि पुट्ठा है दिमाग वाला जो इदा के कानून बनाने कहता किसी ने सलाह मशवरा जो आप किसी ने दूजे के घर में कोई दखल देना होना सलाह कर दे भाई आ जाइए यह तो पुछते कुछ नहीं है। तो बाकी ये सेंटर की गल नहीं है साड़ी पंजाब सरकार भी पूरे बहुमत है अज कोई भी कोई विधायक भी किसी भी हल्के तो कोई नहीं बोलिया कि असी ड्राइवर के नाल इन्हों भी असी तक पिछले सीट पर बैठना ड्राइवर ने मोहरा चलाना पर इन्हों नहीं पता जिन्हें अपना मारना उन्हें तेन भी ले लेना फिर इस करके जी सरकार साड़ी पंजाब सरकार असी उन्होंने भी कहते हैं कि थोड़ा भी फर्ज बनता तुम भी साड़ी गल करो सारे नाल चुप करके अपने घर च बह गए। सो भीर जी मैं तो इन्ना ही कहता यही सरकार पुरजोर अपील करता कि इन्होंने कानूनों रद्द किया जाए नहीं तो आने वाले दिन में तुम एक दो दिन बाद देखो ये रिजल्ट कहो जे भैड़े निकलने कला पेट्रोल डीजल की गल नहीं है आ खाने वाली बसा सब्जियां ये सब कुछ बाजारों में खत्म होना लोगों ने लोग खाने। सो इस करके लोगों ये सरकार को समझ कोई नहीं है जो लोगों ने लोग खाने फिर लोगों को जाग आनी है। सो इस करके अभी तो लोगों को कहें भी सारे बंदे कट्ठे होकर ये ना देखो कि ट्रक वाले या टैक्सी वाले टेंपू वाले सारे बंदे कट्ठे होकर साथ देने ये तो ही गल बननी है। किसानों भी साल डेढ़ साल संघर्ष करना पिया ता जाके उन्हें गल सिरे चढ़ी है अज भी ये जरा साडे दे कानून थोपिया जे इन्होंने लागू हो गया तो सानू हो सकता साल दो साल लगन जिस तरह उन्होंने कहा कि यह सरकार जिद्दी है बहुमत में है पंजाब सरकार भी इस वेले पूरी बहुमत में है इन्हों भी कोई जमीर जींदी वाला मैंने तो लगता ही नहीं जेडे कोई गल करता कोई किसी की वो अपने अपने बस ऐश परस्ती में पे है। इन्होंने ब्याह कराने से ब्याह करा ले सारे ने तो इन्हें कहता वीर जी मैं माफ़ी मंगता सब तो वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। सिटी हलचल से बात करते क्या कहा हरजाप सिंह ने आप खुद ही सुने। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम तजिंदर सिंह आनंदपुर साहब का रहन वाला मैं ते असी भी छोटे मोटे काम अपने गड्डिया के चला के काम अपना टब्बर पाल रहे जी। ते पहली गल तो यह है भी सानू तो कानूना का तो साढ़े उत्ते थोपी जाते सारा कुछ पर कानून थोपन तो पहला इन्होंने जिहड़ियां गल्लां रोड दे उत्ते साडे नाल विचरदियां डेली दे रूटीन दे विच कोई भी गड्डी वाला स्कूटर वाला मोटरसाइकिल वाला कार वाला आराम नाल जा रहा जिहड़े डंगर पशु सड़कां दे उत्ते आ के एक्सीडेंट हुंदे आ उन्हां वास्ते कोई इन्हां दा कोई अरेंजमेंट नहीं कोई कानून नहीं उहदे वास्ते जिहड़ियां सड़कां टुट्टियां है खड्डे दे विच कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जांदा या उहदे करके कोई वड्डी गड्डी दा हादसा हो जांदा उदा इन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया होया। सिर्फ एक क्या गल है भी सिर्फ अपन जिहड़ियां जो इन्होंने इच्छावां अपन अब थोपिया है लोगों के उत्ते भी असी बस हुण सत्ता च आ गए तो असी सारिया का जो भी आ जिन्ना क भी आ घाण कर सकी जनता का बस इन्होंने ये सोचा होया मतलब इंसान वास्ते इन्होंने कोई कुछ कोई रास्ता नहीं छड्या किसी भी तरह का कोई प्रबंध नहीं है सड़कों का जिदा हुण इन्ने पशु डंगर सारे सड़कों के उत्ते आ रहे बिलकुल इन्होंने अपने कानून है जिहड़े ये अपने बना रहे हैं लेकिन अपना इन्हों का पट्ठा बैठा होया सारी जिन्नियां भी सरकार आईया सारिया ने कोई ना कोई अपना मतलब लुकाण वास्ते कानून लागू करते भी लोगों का ध्यान हट जाए सही मुद्दों तो ये जेडे ये चीजा है ये जनता पता है सब सारा कुछ पता है लेकिन कुछ क लोगों करके ये सरकार आ जाए बैठ जाए सिर आके लेकिन इन्हों ये नहीं पता लगता बाद साडे ही सिर पर बैठ के इन्हें सानू ही तंग करना। सो ये सरकार एक बेनती करते हैं आप पुरजोर बेनती करते हैं जो ये संघर्ष चालू होया हुण इहदे विच सरकार ने हुण ये देखना भी किन्नियां क होर जाना लेनियां लेकिन अगे वास्ते लोगों भी अपील है भी तुसी थोड़ा जिहा सुधर जाओ अपनी पहचान करो किहड़ा साडे लई चंगा कम कर सकदा किहड़ा गलत कर सकदा ते मैं इहदे नाल ही गल्लां दे नाल ही थोड़ा थानू ये अपील करता है आपां बेनती करते हैं कि यह जिहड़ा काला कानून तुसी हुण साडे वास्ते लैके आए हो एक मोटरसाइकिल तो लैके ट्रकां तक ट्रालियां तक जिहड़ा कानून साडे उत्ते थोपिया भी ये असी रद्द करा के रहना अगर तुसी प्यार नाल करदे आ तां बहुत वधिया
नहीं है तो साढ़े को बहुत सारे हथकंडे है ये सरकार पता है जनता प्रधान है और जनता तो बिना कुछ भी नहीं है। जनता होगी ता ही थानू वोट पैनी, जनता नहीं थोड़े नाल चलूगी तो तुसी किसे कारी देनी है। ता मैं यही अपील करता जी भी ये जिहड़े काले कानून है इन्हां नू रद्द किया जाए, वापस लिया जाए। तो इन्हां गल्लां दे नाल मैं थोड़ा धन्यवाद करता जी, धन्यवाद। सड़ी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। सैनी इलेक्ट्रॉनिक नंगल श्री अनंतपुर साहेब मुख्य मार्ग गांव ब्रह्मपुर, यहां आपको मिलेंगे एलजी और सैमसंग कंपनी के फ्रिज, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा स्लीप बेल के गद्दे और क्रॉकरी का सामान भी, वह भी नए नए डिजाइनों और बाजार से सस्ते दाम पर। तो देर किस बात की है, जल्द पहुंचे सैनी इलेक्ट्रॉनिक गांव ब्रह्मपुर। हमारा फोन नंबर है 9876972127। चोपड़ा सिलाई मशीन एंड कॉस्मेटिक अड्डा मार्केट नंगल, यहां आपको मिलेगा कॉस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर, सैलून व महिलाओं के प्रतिदिन प्रयोग में आता है। यही नहीं, इसके अलावा सैलून की कुर्सियां, सोफा, दुल्हनों के लिए फैंसी चूड़ा, नेल आर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी व सेंट इत्यादि बाजार से सस्ते व थोक दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर सेवा का मौका दें। हमारा फोन नंबर है 9815482433, दूसरा 9878888858। क्या आप नजर अथवा धूप से बचने वाले चश्मे लगवाने की सोच रहे हैं, वो भी ब्रांडेड और बाजार से सस्ते दामों पर? तो सोच क्या रहे हैं, जल्द पहुंचे वशिष्ठ ऑप्टिकल नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग आजौली मोड़। यहां आपकी नजर ऑटोमेटिक मशीनों से जांच करने के उपरांत आपके चेहरे के हिसाब से चश्मा लगाया जाता है, वो भी चंद मिनटों में। और हाँ, नजर चेक करने की कोई फीस भी वसूल नहीं की जाती। हमारा फोन नंबर है 9915584190, तो जरूर एक बार सेवा का मौका दें।